अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के रहम करम से आप सबकी दुआ से हम सबकी खैरियत से। अल्लाह ताला आपको अपनी खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबके सरों पर आपके बड़ों का साया, आपके छोटों पर आपका साया यूँ ही बना रहे। आमीन तो आमीन। जी वर्ष क्या हो रहा है और आप लोग तो पता नहीं क्या कर रहे होंगे और हम क्या कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कुकिंग, और कुकिंग में मैं क्या कर रही हूँ ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अभी तो देखिए ये बनाया है। आलू पालक बना रही हूँ। मैंने पालक चढ़ाया हुआ है अपना सोम के, और एक तरफ जो है मैं दाल माच बना रही हूँ। तो मैं अपने स्टाइल से बना रही हूँ मसाला भून के, तो वो भी हम जब तैयार हो जाएगी तो हम आपको दिखाएंगे। आज का हमारा खाना आज का ही बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, और मैं आप लोगों को वक्तन फवक्तन खाने अपने अच्छे अच्छे दिखाती रहती हूँ। आपको अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे खाने वालों को भी बहुत अच्छे लगते हैं, और आप लोगों को भी अपने अच्छे लगते होंगे। तो आप लोग भी बना के देखा करें, बहुत अच्छे होते हैं, सिंपल सादे से खाने होते हैं और फटाफट होते हैं, नपतुला हाथ होता है और कोई इसके अंदर कोई नाप तोल नहीं होती है। तो कभी कभी कोड़ भी बहुत अच्छे खाने बना लेते हैं, तो मैं तो ठहरी हुआ तो लेकिन नए नए माशाल्लाह सभी बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं। हम तो नए नए बनाने वाले हैं, आप लोग तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आप सब सबके हाथों में बरकत दे, जायका दे, सबके खानों में बरकत दे, और सबके कमाने वालों के रोजी में बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है ना, चलिए फिर हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए और हम दिखाते रहिए हम क्या बना रहे हैं, क्या पकाया है, क्या खाया है, कैसे खाया है, किसके साथ खाया है। देखिए जी मेरी ये दाल भी तैयार हो गई। ये माश की दाल है, और आप समझ रहे हो कि मूंग मसूर की माश की दाल है। मैंने मसाला भून के बनाई है, और अभी इस पर मैंने मिर्ची डाली है फ्राई करके। अब देखें, और मैं प्याज फ्राई करूँगी, वो इस पर भगार लगा दूँगी। हरी मिर्ची भी डाल दी है मैंने काट के उसमें। अभी मैं ज़रा ये इसका भगार प्याज पर तैयार कर रही हूँ और जीरे का, तो फिर मैं आपको डन लुक दिखाती हूँ। चले निकाल रहे हैं खाना, और ये देखें मेरी बन गई है माश की दाल, और साथ के साथ ही मैं आपको ये दिखा दूँगी। देखें मेरा ये बन गया है पालक आलू, और हम लोग निकाल रहे हैं। चले फिर मिलते हैं दस्तरखान, दस्तरखान पे, और साथ के साथ रख दी गई है चाय। मरियम ने रख दी है चाय, और खाना खाते हम पियेंगे बेहतरीन से चाय। लग गया है दस्तरखान, और देखिए आ गई है हमारी यम्मी सी दाल, और आ गया है चटपटा सा आलू पालक, और अब हम खाकर बताएंगे और सब खा के बताएंगे कि मैंने कैसा बना है। कैसे हैं आप सब, मैं फिर पूछ रही हूँ कैसे हैं आप। तो हमने खाना वाना सब खा लिया है, चाय वाय पी ली है माशाल्लाह, और बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मरियम, क्या बातें कर रहे हैं, गाने गा रहे थे बैठ के स्पीकर पे। अच्छा जी, ये देखिए हमारा रखा हुआ है स्पीकर, और यहाँ पर हम कर रहे थे थोड़ा सा एंजॉयमेंट कर रहे थे हल्के फुल्के से, ज़रा माइक वगैरह लेकिन थोड़ा बहुत कुछ एंजॉय कर रहे थे। क्या करें, बैठे रहते तो हमने सोचा थोड़ा सा एंजॉयमेंट ही कर लें, तो बस हम लोग थोड़े से गाने वाने गा रहे थे, ज़रा पुराने लता के और ये वो सब। और मरियम तो वैसे ही नहीं गाती है, नहीं मरियम हाँ बस मैं ही गाती रहती हूँ गाने, इनको तो बस ये होता है कि हाँ चलो भाई, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है, मज़ा आता है। घर में भी थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट होना चाहिए, हल्ला गुल्ला होना चाहिए, दो लोगों में भी अच्छा खासा हल्ला गुल्ला हो जाता है। तो आज मारिया ने आना था, और यासिर भाई ने ना, मारिया ने और उसके हस्बैंड ने आना था यहाँ पर, और मैं दो दिन से उनका वेट कर रही हूँ। दोनों दिन से वो मुझे बोल रहे हैं हम आ रहे हैं आ रहे हैं, और उसके बाद वो लोग नहीं आते। और अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो देखो, आज भी तुम लोगों ने अपना वादा तोड़ दिया, आज भी नहीं आए, सही है। तो बस नहीं, हम वेट कर रहे हैं, हो सकता है वीकेंड है, तो वो लोग कह रहे थे कि हम लोग देर से आएंगे, तो फिर देर से जाएंगे, हो सकता है मे बी कि वो रात को देर से आ जाएँ, लेट नाइट आ जाए ना। तो चले हम उनका कर रहे हैं इंतज़ार, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। अगर वो नहीं आते तो हम अपनी वीडियो का एंड कर देंगे, वरना अगर वो लोग आते हैं तो फिर उनके साथ थोड़ी सी गपशप करेंगे और फिर उसके बाद वीडियो का एंड करेंगे। हमारे घर आ गए थे मारिया और यासिर, फिर हमने लगा दिया दोबारा खाना, और हम लोगों ने खाना खाया। मैं दोबारा साथ बैठ गई, थोड़ा सा दो तीन दिन वाले उनके साथ मैंने शेयरिंग कर ली, क्योंकि वो कह रहे थे कि बाजी आप भी साथ बैठ के खाएं, तो बस ये हुआ। और उसके बाद हम लोगों ने बातें बातें करी, फिर उसके बाद वो लोग चले गए, और अब हम बैठे हुए हैं, और बैठे हुए क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस सोच रही वीडियो का एंड कर दूँ, क्योंकि उन्हें देर हो गई थी आने में। तो बस अब हम वीडियो का एंड करते हैं, और जिसे जिसे मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल पर मुझे नए देखने वाले मुझे सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और मुझे आप
कि बहुत सारी मोहब्बत, बहुत सारी तवज्जो चाहिए मेरे चैनल को आगे तक जाने के लिए। आप सबकी सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरी थोड़ी सी मेहनत, आपकी बहुत सारी तवज्जो, आपकी बहुत सारा प्यार मुझे आगे तक लेकर जाएगा। तो बस अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। चलें जी, मिलती हूँ कल एक अच्छे से दिन के साथ, प्यारे से दिन के साथ, प्यारी प्यारी बातों के साथ, ढेर सारी बातों के साथ। ठीक है, चलें फिर, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।